Assalamu alaikum, welcome back to my channel. I hope you guys are safe and sound. So guys, आज हम जो है वो grocery shopping का vlog बना रहे हैं, क्योंकि हम हर month जब हमें pocket money घर से आती है तो हम 10 days का पहले menu बनाते हैं, और फिर menu के लिहाज से जो हमें grocery चाहिए होती है तो हम वो लिख लेते हैं और फिर एक list बनाते हैं, और उसके बाद हम 10 days की जो है वो grocery shopping करते हैं. तो आज हमारा वही दिन है ग्रॉसरी शॉपिंग करने का. तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोग को भी दिखा दूं कि हम कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि टर्की में जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा. सो हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे चीज़ लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि टर्की में जो है वो हर कम्यूनिटी में जो है वो बेम आयुजबेर और शौक जो है वो ग्रॉसरी मार्ट जो है वो होते हैं. तो हम ये हमारे घर के सराउंडिंग्स में ही है, तो हम यहीं से लेते हैं सब कुछ, क्योंकि यही हमें चीप पड़ते हैं, वरना तो मॉल्स वगैरह से ले तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है. तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हम क्या क्या लेते हैं. हम सबसे पहले शौक आए हैं, क्योंकि यहाँ से ही बबल का फूड मिलता है. सो हम यहीं से पहले शुरुआत करते हैं, चलते हैं देखते हैं. फिर सबसे पहले यही रहा बबल का फूड. मैं यहाँ से उसके लिए ये लेती हूँ, ये उसके ट्रीट्स होते हैं ड्रीमीज, उसको चिकन फ्लेवर बहुत पसंद है. और एक मैं उसके लिए लेती हूँ ये वेट फूड, जो कि उसका बहुत फेवरेट है, उसको दिन में एक दफ़ा देती हूँ. तो ये हमने ले ली अपनी ट्रॉली, और अब चलते हैं आगे. क्या लेते हैं आगे? आगे डेंटल फ्लॉस लेना है मुझे. चलो गाइस, हमने शौक से सामान ले लिया और अब हम आ गए हैं बीम, और अभी बीम से जो है वो हम कुछ चीज़ें लेंगे. ये हमारा स्पेसिफिक नहीं होता कि सारा कुछ एक ही जगह से लेना है, हमने सूटेबल प्राइसेस की चीज़ें देख रखी है जो कि हम हर शॉप से लेते हैं. तो पहले बीम चलते हैं. ओह, सो ये हम एंटर हो रहे हैं बीम में, और उसके दरवाजे बड़े हैवी हैं. रामू यहाँ से काट लो, पकड़ो. पहले कुछ सामान खरीदा तो इधर रख लेते हैं, और अब देखते हैं क्या लेते हैं हम. ब्रेड लेनी है. ब्रेड जो है वो ये वाला तो नहीं, तुम्हें लास्ट टाइम कौन मैंने आइस ब्रेड से लिया था, ब्रेड वहीं से ले लेंगे फिर. दो ब्रेड लेने हैं. हाँ, लेकिन ये वाला मुझे होल व्हीट वाला लेना है, वो आइस ब्रेड से लेना है. सो गाइस, ये ऑयल जो है ये 146 लीरा का जो है वो 5 लीटर है. जब हम नई टर्की में आए थे तब ये 50 लीरा में होता था, और फिर अचानक से लास्ट मंथ जो है वो 110 में हो गया, तो अब अचानक से हो गया 146 लीरा. मैं पाकिस्तानी प्राइस जो है वो मेंशन कर दूंगी साथ में. सो हमने कल ही ऑयल ले लिया था, क्योंकि हमें कल ही चाहिए था, तो हमने यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए ले लिया था ऑयल. हम ले रहे हैं न्यूटेला. न्यूटेला की प्राइस है 38 लीरा और 50 क्रूश. तो और ये है बड़ा वाला, तो लॉन्ग टाइम चलेगा ये हमारा, तो ये भी लेते हैं. इस बिम में ये सब चीज़ें भी मिलती है, लाइक बर्तन और डेकोरेशन की चीज़ें, कुछ क्लोथ्स, पजामास और टॉयज़, ये सब भी मिलता है यहाँ से. स्नैक्स ये पड़े हुए हैं, ओलिव ऑयल्स वगैरह. और अभी हम लेंगे एग्स. ये है एग्स, हम ये बड़ा वाला लेते हैं जो कि हमारा ज़्यादा चलता है. एक्सपायर डेट जो है वो 26 को एक्सपायर हो रहा, तो सही है तमाम. सो ये हमने ले लिए एग्स. एग्स की प्राइस क्या है? ये है 29 लीरा की. 30 लीरा का. हाँ, 30 लीरा का. तो देखिए एग्स हमने ले लिए, और अब आगे हमने मिल्क लेना है ना. यहाँ पर वेजिटेबल्स है, लेकिन हम वेजिटेबल जो है वो फ्रेश लेंगे मंडी से. यहाँ पर एक बाज़ार लगता है, सो हम वहीं से लेंगे फ्रेश. अभी हम यहाँ से लेते हैं मिल्क. मिल्क कहाँ है? फुल फैट वाला मिल्क पड़ा हुआ है, लेकिन जो हम लेते हैं वो नहीं पड़ा हुआ. हम एक्चुअली इस बॉटल वाला मिल्क लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा रहता है. बाकी जो डिब्बे वाला मिल्क होता है वो हमें नहीं पसंद, उसमें टेस्ट होता है अजीब सा, और हम यही बिम से ही लेते हैं. तो आज नहीं है, देखते हैं. योगर्ट भी लेना है. योगर्ट ये वाला लेना है कि बड़ा? एक्सपायर डेट क्या है? 10 डेज के लिए लेना है. तो हम 23 को एक्सपायर है, तो इसकी प्राइस है 8 लीरा 90 क्रूश, मतलब कि 9 लीरा ही है. तो ये क्या योर्ट भागे. सो गाइस, अभी हम आए हैं स्पाइसेस लेने के लिए इस शॉप में, जिसका नाम है मकसूर.
हम जो पाउडर्ड मसाले और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो यहाँ से लेते हैं, तो चलते हैं हम स्पाइसी लेते हैं। गाइस यहाँ से हम अपना ले लेते हैं शॉपर, और सबसे पहले ले रहे हैं हम हल्दी, जो कि किलो जो है वो 37 लिरा का है, और हम जितना लेंगे वो हमें वहाँ पर मेजर करके देंगे कि हमारी कितनी प्राइस बन रही है। सो सबसे पहले लेते हैं हल्दी। सो गाइस अभी हम ले रहे हैं रेड पेपर पाउडर। सबसे पहले की प्राइस क्या है? 40 लिरा के जी है, हम तो कम लेते हैं। गाइस अभी हम ले रहे हैं ज़ीरा पाउडर, जो साबित ज़ीरा वो यहाँ से नहीं मिलता, तो वो हम एक और शॉप पे जो भी हम चलेंगे वहाँ से लेंगे। और ये है के जी 40 लिरा का। हमें ब्लैक पेपर चाहिए। ब्लैक पेपर ही है ना? स्मेल करो। नहीं कुछ यानी बाहर नहीं लग रहा है, देखो इस पे यानी बाहर लिखा हुआ है। ब्लैक पेपर वहाँ पे, ब्लैक पेपर को टर्किश में करा भी बैर करते हैं। शेकला और ये है केजी अबाउट 100 लिरा का। अभी हम आटा लेने लगे क्योंकि यहाँ से थोड़ा सस्ता मिल जाता है और सुपरमार्केट से काफ़ी महंगा पड़ता है, सो हम यहाँ से ले रहे हैं। गाइस इस शॉप से लेंटिल, जो वर्मिसली, बुलगुर, राइस, कॉर्न, यहाँ से वो सब भी मिलता है, और ये टर्किश स्वीट्स भी मिलती हैं यहाँ से। लेने लगे हैं बुलगुर, और ये डिफरेंट टाइप के बुलगुर हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, ये तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म है डिफरेंट डिशेज के लिए। हमें बड़ा वाला चाहिए जो एज अ राइस फॉर्म। ये बड़ा है ये वाला, हाँ हमें ये चाहिए। ये है 13 लिरा पर केजी और एक जैसे हैं, यही वाला ले लो। चने हैं घर पे? कॉर्न्स भी है। राइस लेने हैं? राइस हमने यहाँ पर बासमती राइस ही मिलते हैं इसी शॉप से, लेकिन ये है बासमती राइस, लेकिन ये हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, सो हमने इस्तांबुल से मंगवाए थे तो अभी घर पे पड़े। ये यहाँ पर दालें, वाइट लोबिया, गंदम, ये ग्रीन वाली दाल, और ये जो लोबिया होता है, इस दाल का नाम मुझे नहीं पता। हमारा पूरा हिसाब सभी देखते हैं क्या रह गया है, फिर लेते हैं। कुछ रह गया? धनिया पाउडर, वो तो उस दूसरे शॉप से लेना ना। यहाँ पर ये हम वेट करवाने आए हैं कि वेट के हिसाब से क्या प्राइस बनता है। इस शॉप में आए हैं जहाँ से हमने बाकी जो साबित मसाले हैं वो लेने। यहाँ पे बेलन और यहाँ पर सब कुछ, सोप्स, डिस्पोजेबल चीज़ें और टिश्यूज़ वगैरह, कॉफ़ीज़ खुली, चाय वगैरह। हाँ उस जैसी हिस्से आ रही है, खजूर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब यहाँ पे। तो यहाँ से हम लेंगे। ताने किमियों वाला? किमियों? अरे किशनिश है ताने किमियों। ताने किमियों लक्षिश। तोस किशनिश। अरे हाँ ताने भी दाखा। पार्टन। बस शुक्रिया, अब हमने ये ले लिया, अब हम इसका पे करते हैं। अभी हम आ गए हैं आइस बे, और अभी यहाँ से हम ब्रेड लेने आए हैं, तो चलते हैं इधर। ये है ब्रेड, ये ब्रेड है 7 लिरा की, तो हमने ये दो पैक्स लेने हैं यहाँ से, बस यही लेना है। ये नूडल्स लेने हैं? ये नूडल्स है। कितने का पैक है ये? 11 लिरा का। वो जो दूसरे वो महंगे पड़ते, तो ये सही है 12। गाइस हमें पिछले वाले बिम से जो है वो मिल्क नहीं मिला, सो हम इस दूसरे वाले बिन में आ गए हैं मिल्क लेने के लिए।
तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये है वो मिल्क जो हम लेते हैं, इसकी प्राइस है 13 लीरा। पहले ये 7 की होती थी, फिर 9 की होगी और अब 13 की। चिकन ये है फुल चिकन, और ये डिफरेंट टाइप के चिकन के पीसेज है, और हम ज़्यादातर हम ये ब्रेस्ट पीस लेते हैं। हमने चिकन ले लिए और 41 लीरा का चिकन आया। और अभी हम आज चूँकि बाज़ार का दिन नहीं है लगने वाला, सो हम सब्ज़ी वो सामने वाले शॉप से ले रहे हैं। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि सब्ज़ी के क्या रेट्स हैं और हम क्या लेते हैं। अभी हम इस वाले मार्केट में आ गए हैं और यहाँ से अभी सब्ज़ियाँ लेते हैं। 3-4 कोई 8-9। चलो सभी सब कुछ कार्ट में शिफ्ट करो। लिस्ट चेक कर लेंगे। ग्रीन चिलीज ये रही, स्पाइसी वाली ले लो। क्या बड़ी वाली लें? बड़ी बड़ी लो। ये केजी 5 लीरा की है। ये वाली एक्सपेंसिव होती है। हाँ ये 25 की है केजी। ये 3 लीरा किलो है। काफी 4 लीरा। हाँ 99। तुम जैसे लोगों को धोखा देने के लिए इन्होंने ऐसी प्राइसेस लिखी। दो केजी ले लो। किलो सुने कदा पता था? अल्लाह 10 लीरा के केजी। जब हम टर्की में न्यू 1 लीरा के थे। अल्लाह प्याज 8 लीरा के, 7.50 लीरा के। मुझे भी यही लग रहा है। अब इनको हम वेट कराते हैं कितनी प्राइस में इनके, कितने के हैं टोमेटोज। 49 लीरा के टोमेटोज हैं, तो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से नहीं लेते फिर? नहीं, 5 लीरा के। शुक्र है ये सस्ते हो गए, वरना ये तो सर्दियों में 20 तक पहुँच गए थे। पोटैटोज आए हैं 19 लीरा के, और खीरा 4 लीरा का। मिर्ची आई है 2 लीरा की। यही है बस, है ना? गाइस वो वाले टोमेटोज बहुत ज़्यादा महंगे थे, 49 लीरा के किलो आए थे, तो अभी हम ज़रा सस्ते वाले ले रहे हैं। ये वाले सस्ते हैं, हाँ फिर यही लेते हैं अभी। ये तो मुझे ख़राब लग रहे हैं, चेक करके लेते हैं। टमाटर अब 15 लीरा के हैं, ये सही है। अभी हम ले रहे हैं वनीला शुगर 3 लीरा का जो है पैकेट, और 4 लीरा का, तो 2 पैकेट्स ले रही हूँ मैं। चलो तो गाइज ये टोटल सब्जियाँ हमारी 81 लीरा की आई हैं। सो गाइज दिस वॉज द ब्लॉग फॉर टुडे, आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ गाइज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय गाइज, टेक केयर।